हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस इस टाइम शुरू करी हूँ अपना ब्लॉग और मैं आई हूँ अपने कैरियो में। तो मैक्सिमम मेरा जो ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है वो कैरियो से ही होती है और इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक्स यानी फ्लू अफजा। तो पहले मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती हूँ, उसके बाद में आपको अपनी जो भी मैं कार्यवाही करने वाली हूँ उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो गाइस उससे पहले मैं अपना दुपट्टा बांध लेती हूँ, ये तो दुपट्टा जो है बार बार नीचे गिरता है इसलिए दुपट्टा बांधना जो है ज़रूरी है। तो गाइस देखिए ये है हमारी अरवी की क्यारी। तो अब अरवी के पौधे इतने साइज़ के हो गए हैं कि अब इनको जो है गुड़ाई की ज़रूरत है और इनको जो है मैल की ज़रूरत भी है। इनके लिए बेनिफिशियल मैल जो होती है यानी कंपोस्ट जो है वो गाय का कच्चा गोबर जो होता है, फ्रेश गोबर जो होता है, मतलब एक हफ्ता दस दिन का चल पड़ेगा। तो हम इसकी जो रूट्स होती हैं इनमें रखते हैं, इससे इनको जो होती है बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और इनके डंठल जो होते हैं वो भी मोटे होते हैं और पत्ते जो हैं बड़े साइज़ में आते हैं और जिसके हम बाद में जो है हम पतेड़ खाते हैं, जिसको हम पतरोड़ू भी बोलते हैं, कई पतेड़ बोलते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, सभी अपने अपने स्टाइल में बोलते हैं। तो ये गाय का गोबर है जो मैंने अपने पड़ोसी आंटी से लिया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी पशु नहीं है इसलिए हमें जो है आंटी से गोबर लेना पड़ता है। तो अब मैं ये कार्यवाही करने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, तो देखते रहिएगा आप मेरा पूरा प्रोसेस। तो गाइस देखिए जैसे ये पौधा है तो इसके चारों तरफ मैं से थोड़ी सी खुनाई करूंगी ऐसे, तो देखिए इस तरह से। और इस मिट्टी को मैं ऐसे इकट्ठा कर लूंगी, इसे थोड़ी सी हार्ड हो गई है मिट्टी, थोड़ी सी मतलब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना इसलिए। हम ये इसलिए करते हैं ताकि ये पकड़ में आ जाए, देखिए इस तरह से। और इधर भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो गाइस जितने भी अरबी के पौधे हैं तो सभी की गुड़ाई मैं इसी तरह से करूंगी और सबको मूल दे दूंगी, यानी इनको एक मतलब मजबूत जैसी इनको पक्का कर दूंगी ताकि ये नीचे मतलब ढहे ना। तो अभी तक मेरा यही प्रोसेस चला हुआ है अभी सभी। तो गाइस इसके बाद भी हमें अभी बहुत से काम है क्यारियों के। तो सबसे पहले तो हमारा जो है लहसुन होने वाला है, उसको भी हमें अभी निकालना है। मैक्सिमम लोगों ने तो निकाल लिया है बट हमने अभी नहीं निकाला है क्योंकि सासू मोम अभी मना करती है कि अभी नहीं निकालना है, जब चांदनी का कुछ सिस्टम होता है उसके बाद ही हम भी निकालेंगे लहसुन को। तो गाइस उसके बाद फिर लहसुन के बाद फिर मैंने लगानी है भिंडी अपनी दो क्यारियों में, फिर हरी मिर्च भी लगानी है और फिर उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा अदरक का। तो मतलब ये प्रोसेस प्रक्रिया है इसी तरह से चलती रहे। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने सब पौधों की जो है गुड़ाई कर दी है, अब मैं इनकी रूट्स में गोबर रख दूँगी। तो गाइस देखिए ये है गोबर, मैं आपको गोबर बता रही हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्रक्रिया और मैं गोबर को उठा के जो अरबी के पौधों की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे मैं इनको रख रही हूँ, चारों तरफ मतलब सर्कल में रख दूँगी मैं। जितने भी मेरे पौधे हैं उनमें सब में मैं इसी तरह से ये प्रोसेस पूरा करूँगी। तो गाइस मुझे ये काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम। कई लोग होते हैं जो गोबर से बहुत ज़्यादा घिन करते हैं और गोबर को देखकर छींक करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गोबर जो है एक पवित्र चीज़ है और गोबर से हम अंदर लिपाई भी करते हैं, गोबर के उपले भी बनते हैं और गोबर जो है खाद का काम भी करती है, मतलब गोबर मतलब गाय के गोबर से हमें मतलब इतने फ़ायदे मिलते हैं। तो मतलब हमें इस काम को करने से कोई भी मतलब घिन नहीं करनी चाहिए या नफ़रत नहीं करनी चाहिए। तो गाइस देखिए आपको पीछे का नज़ारा भी दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे का नज़ारा कितना देखने को अच्छा लग रहा है। तो देखिए
अगर आप मेहनत करें किसी भी चीज़ के लिए तो आपका मन बहुत ही खुश होता है। तो मैं भी मेहनत करती हूँ अब, तो मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मैं, मेरे को मतलब वीडियोस बनाने के लिए एक मतलब ज़रिया है कि मैं अपनी वीडियोस में क्या दिखाऊँ, क्या करूँ। तो मतलब मैं अपनी वीडियोस में आपको अपनी जो भी मेरा क्यारियों का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी मैं क्यारियों में काम करती हूँ, मैं उन चीज़ों को आपको दिखाती हूँ। तो ये सब दिखाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद भी आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो गाइस देखिए, अब मैंने पूरा जो है गोबर जो है अरवी के पौधों के जो रूट्स है वहाँ पर रख दिया है, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया था उसको मैंने पूरे खेत में जो है पूरी क्यारी में फेंक दिया है। तो देखिए इस तरह से हम जो अरवी के पौधों की रूट्स में जो है गोबर को रखते हैं। तो अब इससे इसको जो है खाद मिल जाएगी और मतलब इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और मॉर्निंग टाइम में इनको मैं पानी भी दे दूंगी। तो गाइज़ अब मैं अपना काम करके फ्री हो गई हूँ और बैठ गई हूँ। देखिए कितना पसीना पड़ गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलती हूँ, अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। और चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में कोई नई चीज़ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।